गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू टॉपिक चैप्टर 17 अ कंट्री चाइल्डहुड। इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ फेमस पर्सनालिटी मिस्टर नेल्सन मंडेला हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो लेट्स रीड अबाउट दिस चैप्टर। नेल्सन मंडेला served as president of South Africa from 1994 to 1999. Nelson Mandela हमारे South Africa के president थे, first president, जो 1994 से 1999 तक elected हुए, and was the first South African president to be elected in a fully representative democratic election. Before his presidency, Mr. Mandela was an anti-apartheid activist. Anti-apartheid means apartheid means to talk about the racial discrimination. कि वो जो South Africa में रंग के नाम पर जो भेदभाव होता था उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की। उनका main aim यही था कि जो वहाँ के लोगों पर रंग के नाम पर जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका को दिया। इट बिकेम पॉसिबल आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल दैट द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स वॉन द राइट टू रूल देमसेल्फ। सो फाइनली दे गॉट देयर फ्रीडम, साउथ अफ्रीकन पीपल, दे गॉट द राइट टू रूल देमसेल्फ। Let's read and know about the childhood of this great personality, Mr. Nelson Mandela. My mother presided over three huts at Kuno. उनके तीन घर थे क्यूनो में। As I remember, those were always filled with the babies and children of my relatives. और वो जो घर थे वो हर समय small babies से भरे रहते थे। It means he belongs to a very poor family. In fact, I hardly recall any moment as a child when I was alone. कि उन्हें शायद ही कोई ऐसा moment याद हो as a child जब वो अकेले रहे हों, क्योंकि उनका घर जो इतना छोटा था कि उसमें इतनी जो family members इकट्ठे रहते थे। In African culture, the son and daughter of one's aunt or uncles are brother and sister and cousin. We have no half brother or half sister और aunts और uncles। तो उनके African culture में ये रिवाज था कि जो uncle और आंटी का जो बेटा या बेटी है वो उनका real brother या sister ही है, वो उसे cousin नहीं बुलाते थे। We have no half brother or half sister और aunt और uncle। My mother sister is my mother। जो उनके mother की sister थी वो उनकी mother थी। As a African culture वो उन्हें मम्मा ही बुलाते थे। माय अंकल सन इज़ माय ब्रदर, जो अंकल का बेटा है तो वो उनका खुद का ब्रदर था, और जो ब्रदर का जो बेबी है वो उनका भाई। ऐसा उनका अफ्रीकन लोगों का कल्चर था। सो ऑफ माय मदर थ्री हट्स, वन वाज यूज्ड फॉर कुकिंग, वन फॉर स्लीपिंग एंड वन फॉर स्टोरेज। जो उनके मदर के तीन जो झोपड़ियाँ थी, जो हट थे, उसका वो इस्तेमाल एक तो कुकिंग के लिए करते थे, खाना पकाने के लिए, और एक सोने के लिए, और एक में वो अपना अनाज वगैरह स्टोर करके रखते थे। इन द हट इन विच वी स्लेप्ट देयर वॉज नो फर्नीचर इन द प्रॉपर सेंस। जिस घर में वो हट में वो सोते थे वहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से कोई फर्नीचर प्लेस नहीं किया हुआ था। वी स्लीप ऑन मैट एंड सेट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर ही सोते थे, मैट के ऊपर ज़मीन पर ही बैठते थे। आई डिड नॉट डिस्कवर पिलोज अनलेस मच लेट अंटिल मच लेटर। पिलोज तक नहीं थे उनके घर में। माई मदर कुक्ड फूड इन अ थ्री लेग्ड आयरन पॉट ओवर एन ओपन वायर सॉरी ओपन फायर इन द सेंटर ऑफ द हट और आउटसाइड। जो उनके मम्मा थे वो थ्री लेग एक आयरन की पॉट थी उसमें वो खाना पकाते थे, और उसे वो प्लेस कहाँ करते थे, सेंटर ऑफ द हट। एवरीथिंग वी एट वी ग्रू एंड मेड आर सेल्फ। जो कुछ भी वो कह रहे हैं कि मैंने खाया उसे खाकर मैं बड़ा हो गया। नाउ सी
He is Mr. Nelson Mandela, a great personality of South Africa. So let's read further, children. From an early age, I spend most of my free time in the veld. ज़्यादातर समय वो अपना वेल्ड में गुजारते थे. वेल्ड इज अ ओपन ग्राउंड विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. प्लेइंग एंड फाइटिंग विद द अदर बॉयज ऑफ द विलेज. ज़्यादातर समय अपना वो प्ले ग्राउंड एक खुले मैदान में जहाँ बहुत सारी हरियाली है, बाकी के बच्चों के साथ खेलते हुए, उनसे फाइटिंग करते हुए उनका समय जो है विलेज में निकलता था. एट नाइट आई शेयर माई फूड एंड ब्लैंकेट विद दीज सेम बॉयज. रात को सोते समय जिन बच्चों से वो दिन में लड़ते थे, खेलते थे, रात को उन्हीं बच्चों के साथ वो अपना फूड शेयर करते थे, अपनी ब्लैंकेट शेयर करते थे. आई वॉज नो मोर देन 5 व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर शीप एंड काव्स इन द फील्ड. ही वॉज जस्ट 5. एट द एज ऑफ 5 ही स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर शीप एंड काव्स इन द फील्ड. आई लर्न टू गैदर वाइल्ड हनी, फ्रूट्स एंड ईटेबल रूट्स. सी ही वॉज वेरी स्मॉल एंड ही लर्न टू गैदर वाइल्ड हनी. शहद इकट्ठा करना, फ्रूट्स इकट्ठे करने, ईटेबल रूट्स को कलेक्ट करना वो सीख गए. आई कुड स्विम इन द क्लियर कोल्ड स्ट्रीम्स एंड कैच फिश विद स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड शार्प बाइट ऑफ वायर. और वो देखो इतने ठंड में भी वो स्विमिंग करना, कोल्ड स्ट्रीम्स में फिश पकड़ना तेज धागों के साथ वो सब सीख गए. आई ऑल्सो लर्न टू stick fight. I learned to love the wild, the open space, the simple beauty of nature, the cleanliness of the horizon. So as boys we were mostly left to ourselves. We played with toys that we made ourselves. उस टाइम पे जो बॉयज वो थे वो अपने हाथ के बने हुए टॉय से ही खेलते थे. We made animals and birds out of clay. खुद के हाथों से बने हुए एनिमल्स और बर्ड जो उन्होंने क्ले से बनाए थे, दे यूज टू प्ले विद दैट. वी मेड ऑक्स ड्रॉन स्लेजेस आउट ऑफ ट्री ब्रांचेस. नेचर वॉज आर प्ले ग्राउंड. सो नेचर बोल रहे हैं, नेचर ही उनका प्ले ग्राउंड था. वी सेट ऑन फ्लैट स्टोन्स एंड स्लिड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज रॉक. वी डिड दिस अंटिल आर बैक साइड्स वर सो सोर. एक पत्थर पे लेट कर उस पर खेलना, मतलब जब तक कि वो उनकी पूरी बैक छिल ना जाए, जब तक वो ये सब प्ले करते रहते थे. वी कुड हार्डली सिट डाउन. फिर उनसे जब तक उनसे अच्छे से बैठा ही ना जाए, दर्द होने लग जाए, तब तक वो खेलते रहते थे. आई लर्न टू राइड अ टॉप काव्स आफ्टर बीइंग थ्रोन टू द ग्राउंड सेवरल टाइम्स. वन आउट द हैंग ऑफ इट. व्हेन नेल्सन मंडेला ग्रू अप ही बिकेम द लीडर ऑफ द अफ्रीकन पीपल. व्हेन ही ग्रू अप ही बिकेम द लीडर ऑफ द African people. He was a loving man who made friends whenever he went. He was so loving person that wherever he go, he make friends. His own time, one time assistant was Jesse Drought. Relates these incident about him. उनका एक वन टाइम असिस्टेंट था जिनका नाम था Jesse Drought. वो उनका उनके सारे incidents को बता रहा है. He always made his own bed no matter where he traveled. हमेशा वो अपना खुद का बिस्तर खुद ही बनाते थे. कहीं भी वो travel करते थे, अपना काम खुद ही करते थे. I remember we were once in China in a luxury hotel. I said to him, एक बार वो चाइना के एक लग्जरी होटल में थे और I said to him, उनको मैंने बोला, please don't make your own bed because it against Chinese hospitality. कि प्लीज़ अपना बिस्तर खुद मत बनाओ, ये चाइना की हॉस्पिटैलिटी के विरुद्ध है. ही सेड कॉल द लेडीज हु क्लीन द रूम. कि जाओ जाके उन औरतों को बुला के लाओ जो मेरा रूम क्लीन करेंगी. व्हेन दे केम ही एक्सप्लेन टू देम दैट ही ऑलवेज मेड हिज ओन बेड. तो तब उन्होंने उन लेडीज के सामने ये बोला कि वो अपना बेड खुद ही बनाते हैं. दे शुड नॉट फील इंसल्टेड. कि प्लीज़ आप बुरा मत मानो, इंसल्ट फील मत करो, क्योंकि मुझे मेरा काम खुद ही करने की आदत है. ही डिडंट एवर वॉन्ट टू हर्ट पीपल्स फीलिंग. वो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करना चाहते थे. नाउ नेक्स्ट इज हेयर इज अनदर इंसिडेंट दैट टेल अस अबाउट नेल्सन मंडेला. इट हैपेंड ऑन एन एयरप्लेन ट्रिप इन नेताल इन साउथ अफ्रीका. एक बार वो नेताल में थे साउथ अफ्रीका में. वहाँ का इंसिडेंट है कि वहाँ एक एयरप्लेन में वो बैठे थे. एज सुन एज मंडेला बोर्डेड द एयरप्लेन, जैसे वो उसमें बैठे, ही पिक्ड अप एन न्यूज़पेपर एंड रीड एवरीथिंग इन इट. न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें वो उठाकर सब कुछ पढ़ने शुरू हो गए. आई वॉज सिटिंग राइट अक्रॉस हिम. नाउ जैसे ड्रॉट इज सेइंग कि मैं उनके साथ ही बैठा था,
and he pointed out of the window, I saw to my horror that the propeller had stopped working. और उन्होंने बहुत ही calmly, नेल्सन ने बाहर विंडो की तरफ पॉइंट आउट किया, कुछ दिखाया मुझे, और जब मैंने देखा, जैसे बोल रहा है कि मैं हैरान हो गया, मैं डर गया. क्या प्रॉब्लम थी? कि जो एयरप्लेन का जो इंजन था वो स्टॉप हो चुका था. और नेल्सन इतने कामली, इतने आराम से बोल रहे थे. ही सेड वेरी कामली, जैसे वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म द पायलट दैट द प्रोपेलर इजंट वर्किंग. आई वॉक टू द फ्रंट ऑफ द प्लेन एंड फाउंड दैट द पायलट वॉज वेल अवेयर ऑफ इट. और जब मैं भागा भागा पायलट के पास गया, जैसे ही से कि वहाँ देखा कि ऑलरेडी जो पायलट हैं वो ऑलरेडी अवेयर थे इस चीज़ को लेके. ही आस्क्ड मी टू गो बैक टू माई सीट एंड सिट डाउन, कि जाइए अपनी सीट पर बैठिए, हम कर लेंगे. दे हैड कॉल्ड द एयरपोर्ट एंड द एम्बुलेंसेज वर देयर. एम्बुलेंस आ गई, एयरपोर्ट पर फ़ोन कर दिया गया. आई वेंट बैक एंड टोल्ड मंडेला दैट ही जस्ट लिसन एंड सेड येस, कि मैं हैरान हूँ कि आपने इतनी कामली मुझे येस कहा. द प्लेन लैंडेड विदाउट एनी ट्रबल, प्लेन आराम से उतर गया किसी परेशानी के बिना. नेल्सन रिमेंड काम थ्रू आउट द ट्रिप, नेल्सन बिल्कुल काम थे पूरे ट्रिप के दौरान. ही नेवर चेंज हिज एक्सप्रेशन, उनका एक्सप्रेशन पूरे ट्रिप में चेंज ही नहीं हुआ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई. एज वी केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट ही सेड आई वॉज रियली स्केयर्ड अप देयर, तो नेल्सन ने बाहर आके बोला एयरपोर्ट से कि सचमुच मैं डर गया था. देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ वॉट करेज इज़ ऑल अबाउट, तो जैसे ने बोला उनके वन टाइम असिस्टेंट ने कि वाकई इसको ही करेज बोलते हैं. कि करेज इज़ नॉट अबाउट नॉट बींग स्केयर्ड, करेज का मतलब ये नहीं कि आप डरो नहीं. करेज इज़ बींग टेरिफाइड एंड नॉट शोइंग इट, करेज का मतलब ये कि आप डर तो रहे हो लेकिन किसी को शो नहीं कर रहे हो. आई गॉट करेज बाई लुकिंग एट हिम बिकॉज ही वॉज प्रिटेंडिंग नॉट टू बी स्केयर्ड एंड दैट्स वॉट ही डिड फॉर हिज होल लाइफ, कि उन्होंने ये प्रिटेंड किया, ये दिखाया कि वो बिल्कुल भी डरे नहीं. उन्हें देखकर मेरे अंदर भी करेज आ गया. दिस इज़ वॉट मेड हिम सो ग्रेट, इसीलिए वो इतने ग्रेट थे. मंडेला हैज़ रिसीव्ड मोर देन 250 अवार्ड्स एंड ओवर 4 decades इंक्लूडिंग द 1993 नोबल पीस प्राइज. इन 1993 मंडेला को क्या मिला? नोबल पीस प्राइज. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट योर the great personality Mr. Mandela. So I hope you understood. Thank you.